अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यमी रेसिपीज़ में। जी आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही बेहतरीन सी चिकन, हैदराबादी ग्रीन चिकन की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है और दावतों के लिए स्पेशल डिश है। तो चलिए हम बगैर टाइम वेस्ट किए हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल ऐड किया है। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें 2 टेबल स्पून ज़ीरा और मैंने कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं हम ये ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छी तरह से ना क्रैकल होने देंगे। बड़ी अच्छी तरह से हमने इन्हें क्रैकल करना है, बिल्कुल भी घाई नहीं करना है हमने यहाँ पर दूसरे मसाले ऐड करने की। जैसे इसका सारा फ्लेवर जो है वो तेल में रिलीज़ हो जाएगा हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 1 किलोग्राम चिकन यूज़ कर रही हूँ और बस चिकन ऐड करके हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और चिकन को कुछ देर के लिए हमें ना तेल के साथ में फ्राई करेंगे, जिससे क्या होगा कि चिकन का जो पानी है वो रिलीज़ हो जाएगा और बस चिकन हमारा हाफ़ कुक हो जाए, हमने इतना इसको है ना कवर करके कुक कर लेना है। यहाँ पर मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन अच्छा खासा पानी जो है रिलीज़ कर चुका है और हाफ़ कुक भी इसमें हो चुका है। अब जी हम इस पॉइंट पर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ इसमें और अदरक लहसुन को भी हम चिकन के साथ में भून लेंगे, जिससे अदरक लहसुन की जो कच्ची स्मेल होती है वो निकल जाएंगी। बस अच्छी तरह से हमने इन्हें भून लेना है और इसके बाद मैंने यहाँ पर 8-10 मैंने हरी मिर्चें ली थी, जिसको मैंने 1-2 चम्मच पानी ऐड करके ना ग्राइंड कर लिया था, वो इसमें हम ऐड करेंगे। और इसके साथ मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर नमक लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर लिया है। काली मिर्चों का पाउडर मैंने फ्रेश वाला लिया है, फ्रेशली मैंने इसे कूटा था। आप भी कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश ही हो, फ्रेश का जो फ्लेवर होता है ना वो ज़्यादा बढ़िया होता है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 प्याज को है ना फ्राई करके इसमें ऐड किया है। आपने भी प्याज जो है वो पहले ही ना फ्राई कर लेने हैं और एक साइड में निकाल लेने हैं और इस पॉइंट पर हमने ना प्याज़ों को ऐड करना है। बस प्याज ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पर मैंने दही ऐड किया है, मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच दही ऐड किया है। ये खट्टा वाला दही मैं यूज़ कर रही हूँ और आप भी हो सके तो खट्टा वाला दही ही यूज़ कीजिएगा इसमें, क्योंकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा खट्टा वाला आता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी अब दही को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके कुक करेंगे 7-8 मिनटों के लिए। तो यहाँ पर मुझे 7-8 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हो हमारा जो मसाला है वो हाफ जो है वो भून चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर है ना फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी। आप इसकी जगह दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने फ्रेश क्रीम इसमें ऐड कर दिया है। अब फ्रेश क्रीम डालने के बाद भी हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। जी जब तक हम मलाई इसमें मिक्स कर रहे हैं, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो जी यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने इन्हें मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ग्रीन फूड कलर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 पिंच के करीब। ग्रीन फूड कलर मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इसका कलर जो ग्रीन ग्रीन सा आएगा। अगर आप ये कलर नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हो ये स्टेप को। बस ग्रीन फूड कलर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम हरी धनिया के पत्ते और कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इन्हें हम मिक्स करेंगे बढ़िया सा। तो ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच बटर ऐड करूँगी। बटर ऐड करने के बाद हम इसे कवर करके कुक करेंगे ताकि बटर जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए इसमें। बढ़िया सा मेल्ट हो चुका है हमारा बटर यहाँ पर और बस हमने इसे मिक्स कर लेना है और मज़ीद हम इसे ना 2 मिनट के लिए ना भून लेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो बटर का फ्लेवर है वो सारे चिकन में भी हमारे आ जाए। तो देखा आपने इसको बनाना कितना सिंपल था और ये बनकर बिल्कुल भी रेडी है।
तो जी यहाँ पर हमारा ग्रीन चिकन जो है बढ़िया सा बन के रेडी हो गया था, और मैंने इसे सर्व किया था एक बाउल में, और ऊपर से मैंने इस पर फ्रेश क्रीम थोड़ा सा डाल दिया था ताकि ये प्रेजेंटेबल लगे बस। तो ये खाने में इतना ज़्यादा लजीज था और इतना ज़्यादा हमारे घर में मेहमानों को पसंद आया कि वो लोग मुझसे रेसिपी लेकर गए। तो बस मैं चाहती हूँ कि आप भी बनाएं, आपने अपनों को खिलाए और तारीफ़ें पाएं। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी रेसिपी अपने दोस्तों प्यारों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।